अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सारे के सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और क्या क्या करते हैं? देखिए, एक डायग्राम आपके नोट में दिया गया है जहां पर सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पोजीशन दिखाए गए हैं कि कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड कहां अवेलेबल है। समझ गए? तो अभी मैं एक पहले बता देता हूं कौन कौन से ग्लैंड है। अगर हम ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस है। सबसे पहले क्या है? हाइपोथैलेमस। ये हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। आपने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था फोर ब्रेन के तीन पार्ट है, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड डायनसेफेलॉन। और मैंने कहा था डायनसेफेलॉन में क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है, जो किसे कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। चलिए उस पर। फिर उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेंक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। अब देखिए, ये जितने ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पेंक्रियाज, ये सारे के सारे ग्लैंड बोथ मेल और फीमेल बॉडी में मौजूद है। यानी मेल में भी है, फीमेल में भी है। ह्यूमन में दो होते हैं ना, मेल फीमेल, दोनों में है। लेकिन जो ओवरीज और टेस्टिस है, तो टेस्टिस सिर्फ मेल में है और ओवरीज सिर्फ फीमेल में। तो ये दोनों ग्लैंड्स ऐसे हैं जो अगर जिनमें ओवरीज है उनमें टेस्टिस नहीं है और जिनमें टेस्टिस है उनमें ओवरीज नहीं। बिल्कुल सही बात है, मेल है तो टेस्टिस होगा, फीमेल है तो ओवरीज होगा। समझ गए? इसमें एक ग्लैंड मिसिंग है, अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो पीनियल ग्लैंड। एक पीनियल ग्लैंड भी होता है जो मैंने नहीं लिखा है नोट में, उस पर बात नहीं की है। पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में मौजूद होता है दोनों सेरेब्रम के बीच में, और उसके फंक्शन पे भी ज्यादा बातें हुई नहीं है। अलग अलग आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो उसके अलग अलग हॉर्मोन्स दिखाते हैं और वो अलग अलग फंक्शन दिखाता है। अब पता नहीं क्या सच है क्या आती है, इसलिए मैंने पीनियल ग्लैंड को नोट में डिस्कस नहीं किया। अगर आपको कहे कि एक पीनियल ग्लैंड भी होता है हमारे ब्रेन के बीच में, तो आप कहेंगे बिल्कुल मुझे भी पता है पीनियल ग्लैंड होता है। उन पर अभी ज्यादा हमें डिटेल्स में जाना नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करें बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस। तो देखिए, हाइपोथैलेमस कहां लोकेटेड, सबसे पहले देखिए क्या क्या याद रखना है आपको। आपको यह याद रखना है कि उसका लोकेशन कहां है, कहां प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी में, कोई भी ग्लैंड कहां प्रेजेंट है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि वो कौन कौन सा हार्मोन बनाता है और उस हार्मोन के क्या फंक्शन। समझ गए? तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो मौजूद है हमारे ब्रेन में, हमारे फोर ब्रेन में। हमारे यहां हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके जस्ट ऊपर हमारे फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस मौजूद है, और ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। किसे कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए, हमारे बॉडी का सबसे मेन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो सारे के सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस मात्र दो हार्मोन बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, आरएच एंड आईएच। नोट में देखिए लिखा हुआ है रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि सिक्रीशन सिक्रीट करो। और जो इनहिबिटिंग हार्मोन है वो क्या करता है? उसे रोकता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि हाइपोथैलेमस ब्रेन में मौजूद एक ऐसा ग्लैंड है जो कंट्रोल करता है किसे? पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये दो ही हार्मोन बनाता है, आरएच एंड आईएच। आरएच मतलब रिलीजिंग हार्मोन, आईएच मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है नए हार्मोन्स बनाने के लिए, और जो इनहिबिटिंग हार्मोन है उसे क्या करता है? रोकता है। समझ में आया? तो समझ में आ गया। तो देखिए यहां पे दिया गया है कि प्रेजेंट इन ब्रेन रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सिक्रीट्स रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन रोकेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, सबसे इंपोर्टेंट ग्लैंड है। दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। बाकी सारे जितने भी ग्लैंड है सबको ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और ये नंबर ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हार्मोन अगर कोई ग्लैंड सिक्रीट करता है तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक पी शेप्ड होता है, मटर के दाने के आकार का होता है, और यहां पर मौजूद है, यहां पर जहां लोग टिक्का नहीं लगाता है, यहां पर मौजूद है एकदम जस्ट। हाइपोथैलेमस इसके जस्ट ऊपर है, उसके जस्ट नीचे है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पी साइज है, यानी कि मटर के दाने के आकार का, समझ गए? और ये बहुत से हार्मोन सिक्रीट करता है। आपके लेवल पर एनसीईआरटी में बस एक हार्मोन की बात की गई है, नाम है ग्रोथ हार्मोन। क्या करता है उस पर हम पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बाकी हार्मोन पे भी बात करेंगे, हमें तो डिटेल्स में पढ़ना है। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन है, और ये करता क्या है? हमारे बॉडी के बोन्स, मसल्स, टिश्यूज,
मतलब जितनी भी चीजें हैं सबके ग्रोथ को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। यानी कि कोई आदमी कितना लंबा होगा या कितना बौना होगा वो पूरा का पूरा डिसाइड होगा किससे, ग्रोथ हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन का अगर कंसंट्रेशन अधिक होगा तो आदमी लंबा हो जाएगा, और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन अगर कम होगा तो आदमी बौना हो जाएगा। समझ के बात। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन व्हिच कंट्रोल द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, डेवलपमेंट को पूरा कंट्रोल करता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाता है किसी आदमी में तो वो बहुत लंबा हो जाता है, उसे जाइंटिज्म कहते हैं। जाइंटिज्म, ग्रोथ हार्मोन कॉजेज जाइंटिज्म। आदमी के अंदर में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा बहुत लंबा हो जाएगा, और अगर कम सिक्रीट होगा तो ड्वार्फिज्म कॉज करता है, आदमी बौना हो जाता है। देखिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है ना, अगर ज्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम, कम हुआ तब भी प्रॉब्लम। बात की थी मैंने कि हार्मोनल इंबैलेंस दिक्कत करती है। तो देखिए लिखा गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स, बहुत से हार्मोन सिक्रीट करेगा, ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन्स कंट्रोल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, बोन्स टिश्यूज मसल्स, हमारे बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। अगर डिफिशियंसी हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी तो हम ड्वार्फ हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे, और अगर एक्सेस हो जाएगा तो जाइंटिज्म आ जाएगा, हम बहुत लंबे हो जाएंगे। आपने खली को देखा, खली, हाँ वो WWE जो खेलता है, देखिए उसका कितना भयंकर लगता है, वो बोल भी नहीं पाता है ठग से, वो जाइंटिज्म का शिकार है, हार्मोनल इंबैलेंस है वो। उसके बॉडी के अंदर क्या हुआ, तो बहुत ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर दिया, इसीलिए वो ऐसा हो गया। समझ गए बात, वो जाइंटिज्म का शिकार। आगे बढ़े हम लोग। अब हम और भी बहुत से हार्मोन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं जो आपके बुक्स में नहीं दिया जाता है, लेकिन मैंने नोट में मेंशन कर दिया है। तो देखिए आप नोट देखिए सामने में, तो सबसे पहले नेक्स्ट हार्मोन में है TSH, जिसे कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ये करता क्या है, ये ग्रोथ और फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। यानी थायराइड ग्लैंड कैसे ग्रो करेगा, कैसे उसका फंक्शनिंग होगा, उसको कंट्रोल करेगा कौन, TSH। ये जितने भी हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीटेड, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। दूसरे की बात करें तो है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये करेगा क्या, ये एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगा। एड्रीनल ग्लैंड हमारे बॉडी में दूसरा मौजूद ग्लैंड है, मैंने कहा ना सबको कंट्रोल करता है। तो जो ACTH है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो क्या करेगा, एड्रीनल ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। समझ गए। नेक्स्ट अगर बात करें FSH, जिसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेल बॉडी में अलग फंक्शन करता है, फीमेल बॉडी में अलग फंक्शन करता है। अगर मेल बॉडी में बात करें FSH क्या करता है, तो वो एस्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, यानी एस्पर्म फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और अगर फीमेल बॉडी की बात करें तो ये ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, देखिए रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ओवरी में एग होता है, वो एग नहीं होता है, पहले वो फॉलिकल होता है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो ग्रो करके एग बनाते हैं। तो उस फॉलिकल के ग्रोथ को कौन कंट्रोल करेगा, FSH। तो फीमेल बॉडी में ये फॉलिकल के ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, और मेल बॉडी में ये एस्पर्म के फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा। समझ गए। और FSH फीमेल बॉडी में एक और काम करता है, वो एस्ट्रोजेन के सिक्रीशन को बढ़ावा देता है, यानी कि वो एस्ट्रोजेन को बनाता है। फीमेल बॉडी में दो हार्मोन्स हैं जो सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजेन के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करेगा, कौन, FSH। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसे हम LH कहते हैं। ये भी मेल बॉडी में अलग काम करता है, फीमेल बॉडी में अलग काम करता है। अगर मेल बॉडी में बात करें तो ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने के लिए। जो LH है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, वो मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन को बढ़ावा देता है, और फीमेल बॉडी के अंदर ये प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ावा देता है। इसके सिक्रीशन को, प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन। समझ में आ गया। तो LH भी अलग अलग काम करता है मेल और फीमेल बॉडी। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे हम कहते हैं PRL। ये क्या करता है, ये मेमोरी ग्लैंड को डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, और मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। जब जब कोई फीमेल मां बनेगी उसके बॉडी के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि वो बेबी का फूड है, प्राइमरी फूड है बेबी का। तो मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कौन करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये भी कौन सिक्रीट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ गए। अब है नेक्स्ट है
मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे MSH कहते हैं, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करेगा, वो मेलानिन सिंथेसिस को इनहेंस करेगा। मेलानिन क्या होता है? देखिए, मेलानिन हमारे बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है। आप देखते होंगे जब आप धूप में जाते हैं तो आपका बॉडी काला पड़ जाता है, ना धूप में जब बहुत ज्यादा रहते हैं तो आपका बॉडी काला पड़ जाता है। तो वो क्या होता है, आपके स्किन के अंदर मेलानिन का अमाउंट बढ़ जाता है। मेलानिन जो होता है वो आपके बॉडी कलर को डिसाइड करता है। आप अगर कभी वो क्या कहते हैं फेयरनेस क्रीम सब का प्रचार देखो तो उसमें कहा जाता है कि मेलानिन को कम करेगा, ये मेलानिन रिड्यूस होगा। मेलानिन रिड्यूस होगा क्यों? क्योंकि वो मतलब उससे क्या होता है, फेयरनेस आती है। मेलानिन अगर अधिक होगा तो आदमी का चेहरा ब्लैक हो जाएगा। तो मेलानिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी जो MSH है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। और मेलानिन अच्छी चीज है, हमें स्किन कैंसर से बचाता है। धूप में जब आप जाते हैं तो आपका चेहरा काला पड़ता है, वो सच में बॉडी का एक क्या कहे बचने का तरीका है कि मतलब हमको मेरा डैमेज ना हो जाए मेरा स्किन। तो मेलानिन वो स्किन कैंसर से बचाता है। अफ्रीका के किसी लोग को स्किन कैंसर नहीं होगा, अमेरिका वाले को बहुत जल्दी हो जाएगा, घोड़ा चिट्ठा है ना वो, ब्रिटिश वाला का और ज्यादा होगा, समझ रहे हो बात। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH जो मेलानिन फॉर्मेशन को क्या करता है, मेलानिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। और मेलानिन क्या करता है, बॉडी कलर डिसाइड करता है। कोई आदमी अगर ब्लैक है, ब्लैक मतलब कहने का ये मतलब नहीं कि मैं काला उसका मजाक उड़ा रहा हूं, लेकिन जो कोई आदमी अगर हल्का वो सांवला है तो उसमें क्या है, मेलानिन अधिक है और वो अच्छी चीज है, स्किन कैंसर नहीं होगा उसे। चलिए नेक्स्ट बात आगे करते हैं। ऑक्सीटोसिन, अभी मैंने तुरंत बात की, ऑक्सीटोसिन क्या है, ये भी फीमेल बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। ये क्या करेगा, जब चाइल्ड बर्थ के समय यूटेरस वाल को कंट्रैक्ट रिलैक्स करवाएगा, जिससे कि क्या हो सके, बेबी का बर्थ हो सके बेटर ढंग से। समझिए, देखिए लिखा है कि स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस वाल मसल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के दौरान। और एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। ADH क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करता है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि आपके बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन, साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है ADH। अगर ADH अधिक होगा आपके बॉडी के अंदर तो यूरिनेशन कम होगा, और अगर ADH कम होगा तो यूरिनेशन ज्यादा होगा। जब बॉडी को यह लगता है कि अरे बॉडी के अंदर पानी बहुत ज्यादा है तो वो क्या करता है, ADH कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, पानी अधिक होगा तो ADH कंसंट्रेशन कम ही हो जाएगा, कम होगा तो यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर तुम कम पानी पियोगे तो ऑब्वियस है कि आपके बॉडी के अंदर सॉल्वेंट कमेगा तो ADH कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो यूरिन कम निकलेगा, समझ गए। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। तो ये सारे हार्मोन किसके द्वारा सिक्रीट हो रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। आई होप आपको समझ में आया हो पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे फंक्शन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारा, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इज दैट इज पिट्यूटरी, तो हो गया थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा है हमारा, थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ होता है, ये हमारे नेक रीजन में होता है, इस गर्दन वाले में जो हमारा विंड पाइप है उससे एसोसिएटेड होता है क्या, थायराइड ग्लैंड। विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया से एसोसिएटेड होता है क्या, थायराइड ग्लैंड, समझ गए। और ये सिक्रीट करता है थायरोक्सिन मेनली, एक कैल्सिटोनिन भी बनाता है जो मैंने नोट में नहीं मेंशन किया, मैंने जानबूझकर नोट में ये सब चीजें मेंशन नहीं की, जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं वही लिखेंगे, साइड में बॉक्स बना के लिख लीजिए। मेनली वैसे बोर्ड के लिए जो नेसेसरी है वो मैंने नोट में लिख दिया, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है क्या, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसे कंट्रोल करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट टूटना, उसका नए नए कंपाउंड्स का बनना, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है हमारे बॉडी के अंदर, उन सारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है कौन, थायरोक्सिन, समझ गए, ओके। तो देखिए नोट में लिखा गया, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन नेक रीजन एसोसिएटेड विद विंड पाइप, नेक रीजन में मौजूद है विंड पाइप के साथ। नेक्स्ट सिक्रीट थायरोक्सिन, थायरोक्सिन सिक्रीट करता है विच कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन इन द बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसे वो कंट्रोल करता है। और थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन नेसेसरी है, यानी कि थायराइड ग्लैंड को अगर पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन बनाना है तो उसे किसकी जरूरत है, आयोडीन की जरूरत है, यानी कि हमें आयोडीन चाहिए। और अगर आप आयोडीन लोगे पर्याप्त मात्रा में तो थायरोक्सिन निकलता रहेगा और आपकी बॉडी बेटर ढंग से, आपका मेटाबॉलिज्म सब कुछ सही रहेगा। लेकिन अगर आप आयोडीन नहीं लोगे तो थायरोक्सिन क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा, और उसके कारण आपके बॉडी के अंदर की बीमारी कॉज होगी जिसे ग्वाइटर कहा जाता है, जिसमें क्या होता है ना, आदमी का गला बढ़ जाता है, इसे घेंगा बीमारी कहा जाता है। अब किसी को नहीं होता है, अब तो सब आयोडाइज साल्ट खा रहा है,
सभी आदमी आयोडीन वाला नमक खा रहा है। पहले देखते होंगे बूढ़े लोगों को होता था, गला ऐसे बड़ा हो जाता था, तो उसे ग्वाइटर कहा जाता था, समझ गए। तो ग्वाइटर होता है किसकी वजह से, थायरोक्सिन की, आयोडीन की कमी की वजह से। देखिए आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, सो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट कैन कॉज डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन द बॉडी, द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज लेस थायरोक्सिन हार्मोन एंड कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर, इन ग्वाइटर द नेक ऑफ पर्सन अपीयर्स swollen due to the enlargement of thyroid gland, we should always use iodized salt for cooking food so as to prevent goiter disease, yani hamesha iodine wala namak wala khana khana chahiye. Iske alawa ab maine jo dusri baat ki thi, calcitonin, ye bhi ek hormone hai jo secrete kiya jata hai thyroid gland ke dwara. Calcitonin kya karta hai, calcitonin ye dekhta hai ki agar dekhiye hamare body ke andar calcium level maintain rehna chahiye, तो हमारे बॉडी में कैल्शियम का सोर्स क्या है, बोन। हमारे बॉडी बोन जो है ना, बोन हमारा कैल्शियम रिजर्वायर है, हम कैल्शियम को पूरा स्टोर करके रखते हैं बोन में। तो अगर हमारा बॉडी ये देखेगा, बोन में स्टोर करते हैं, बोन से आता है कैल्शियम ब्लड में, तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, अगर देखेगा कि हमारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी है, तो वो क्या करेगा ना, बोन से कैल्शियम आने को रोकेगा, उसे सप्रेस करेगा, समझ गए। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर कैल्शियम कंसंट्रेशन को बढ़ने से रोकता है। अगर ज्यादा मात्रा में है तो वो बोन में क्या करेगा, बोन को कहेगा ना 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 अब कैल्शियम नहीं चाहिए, उसे रोकेगा, इस एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, समझ में आया कैल्सिटोनिन क्या करता है। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ हम चलते हैं जो कि है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहां मौजूद होता है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड भी थायरॉयड ग्लैंड में ही मौजूद होता है, उसी के साथ मौजूद होता है, यानी वो भी नेक रीजन में है, और जो थायरॉयड ग्लैंड है उसी में वो इंबेडेड होता है, थायरॉयड ग्लैंड के अंदर ही धसा हुआ होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। आया समझ में, पैराथायरॉयड ग्लैंड, और पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या सिक्रीट करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, जो करता क्या है, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करता है। अब आप कहोगे सर अभी तुरंत तुरंत आपने बताया कि कैल्सिटोनिन ये काम करता है, तो फिर पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा। आंसर ये है बाबू कि कैल्सिटोनिन क्या करता था, कैल्शियम लेवल को बढ़ने नहीं देता था, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को घटने नहीं देगा। यानी अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो वो क्या करेगा ना, उसको कहेगा और बोन को कहेगा और कैल्शियम भेजो और कैल्शियम भेजो, यानी कैल्शियम को रिलीज करवाएगा बोन से, यानी ये कैल्सिटोनिन का जस्ट अपोजिट काम करता है, समझ में आया। तो कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन ये दोनों मिल करके कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है, ओके, और फॉस्फेट लेवल को मेंटेन करता है कौन, पूरी तरह से पैराथायरॉयड हार्मोन। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा थाइमस ग्लैंड। ये कहां मौजूद होता है, ये हमारे अपर चेस्ट में मौजूद होता है, हमारे हार्ट के पास, अपर चेस्ट रीजन में मौजूद होता है, कहां पर, कहां पर, हमारे हार्ट के पास। देखिए सारा डायग्राम, एक डायग्राम दिया गया है आपके ग्रुप में अवेलेबल है, उसको फोटो को देख लीजिए आप, उसमें सब कुछ दिया गया है कि कौन सा ग्लैंड कहां है नहीं है, उस डायग्राम को आप देख लीजिए समझ में आ जाएगा, ओके। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ ओके, तो थाइमस ग्लैंड अपर चेस्ट में मौजूद है हार्ट के फ्रंट साइड में, और ये सिक्रीट करता है थाइमोसिन, ये एक हार्मोन बनाता है जिस हार्मोन को हम कहते हैं थाइमोसिन। थाइमस ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, थाइमोसिन। ये करता क्या है, ये WBC के डेवलपमेंट और डिफ्रेंसिएशन में को स्टिमुलेट करता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर WBC के नए सेल्स को बनाता है। और आपको पता है WBC अनेक टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, एगेलनोसाइट्स, फिर उसके भी टाइप्स होते हैं, तो WBC अनेक टाइप्स के हैं, तो उनके डिफरेंशिएशन यानी कि उनको बांटता है कि तुम ऐसा बनो, तुम ऐसा बनो, तुम ऐसा बनो, डिफरेंशिएशन समझ चुके आप, डिफरेंशिएशन जानते हो ना, बंटवारा। तो नए नए तरह के WBC का डेवलपमेंट, उनका डिफरेंशिएशन कौन रेगुलेट करता है, थाइमोसिन, जो कौन सिक्रीट करता है, थाइमस ग्लैंड। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आप इससे पहले भी देख चुके हैं, पता है कहां, जब आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर में एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि दोनों किडनी के ऊपर टोपी जैसे दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, याद आया, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता था, उसी ग्लैंड को हम क्या कहते थे, एड्रिनल ग्लैंड।
और एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है एड्रिनालिन। एड्रिनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? एड्रिनालिन, एड्रिनालिन हार्मोन। तो देखिए नोट में लिखा गया है, ए पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। हर एक किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड है, सिक्रीट एड्रिनालिन, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जो हमारा इमोशंस है, फियर है, एंगर है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, रिस्पायरेशन, फंक्शन ऑफ ए स्मूथ मसल्स, जो हमारे स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल समझ गए ना, जो हमारे इन्वॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन्हें रेगुलेट करने का काम कौन करता है? एड्रिनालिन करता है। एड्रिनालिन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। जब आप देखते हो एकाएक आप डरते हो, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि आप डरे तो एड्रिनालिन सिक्रीशन हुआ, एड्रिनालिन सिक्रीट हुआ तो आपका हार्ट बीट बढ़ गया, रिस्पायरेशन रेट बढ़ गया। समझ गए बात? तो जब भी आप इमोशनल होते हो, जब आप डरते हो, जब आप खुशी होते हो, जब आप नाचते हो, कुछ भी हो, जो ही इमोशंस आया, फियर, एंगर, कुछ भी होगा, तो आपका ब्लड प्रेशर प्रभावित होगा, आपका रिस्पायरेशन रेट प्रभावित होगा, आपका हार्ट बीट प्रभावित होगा। ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही है? एड्रिनालिन की वजह से हो रही है, एड्रिनालिन सिक्रीशन की वजह से हो रही है। तो इमोशनल हम जब भी होते हैं एड्रिनालिन सिक्रीट होता है, और इसीलिए एड्रिनालिन को हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। मान लो कि एकाएक तुम्हारे पीछे तुम मतलब जा रहा था एकाएक तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया और तुम भागा कुत्ता से, तो फियर, जो ही फियर हुआ तो एड्रिनालिन सिक्रीट हुआ और उसने हार्ट रेट को बढ़ा दिया, रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा दिया। देखो जब भी आप डरते हो तो उसे मैनेज, आपके बॉडी को, बॉडी के लिए वो एक शॉक है। आपका एकाएक खुश होना, आपका एकाएक दुखी होना, ये दोनों ही बॉडी के लिए शॉक है, उसे उसे रेगुलेट करना है। तो वो रेगुलेट करेगा क्या सिक्रीट करके? एड्रिनालिन सिक्रीट करके। इसीलिए एड्रिनालिन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसीलिए कहा जाता है एड्रिनालिन को इमरजेंसी हार्मोन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई एड्रिनालिन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन? बिकॉज इट हेल्प अस टू कंट्रोल आवर इमोशंस एंड इट मेक्स अस रेडी व्हेन एवर वी फियर और फ्लाइट। जब भी हम डर होते हैं, खुशी होते हैं, हमारे बॉडी को तैयार करता है उस शॉक को मेंटेन करने के। समझ गए? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सा है? पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज की बात करते हैं, हम लोग डिटेल्स में जानते हैं पेंक्रियाज कहाँ होता है, पूछने की बात है क्या? हम लोग न्यूट्रिशन में कितना डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। तो पेंक्रियाज हमारे एब्डोमिनल रीजन में मौजूद है, हमारे कहाँ पर? स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट में, स्टमक के पीछे मौजूद है पेंक्रियाज। और ये सिक्रीट करता है दो हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये दोनों मिलकर के हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। क्योंकि सर दोनों में करता क्या है, कौन क्या करता है? देखो, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करता है, यानी उसे डिक्रीज करता है, कम करता है। और जो ग्लूकागॉन है वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। समझ गए? देखिए हमारे बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो वो पचता है कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज ब्लड के अंदर गया। तो अगर देखो ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो बॉडी क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के रखेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देगा। तो जो इंसुलिन है वो इस बात को बढ़ावा देगा, यानी वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कन्वर्जन में वो उसको हेल्प करेगा, कहेगा नहीं नहीं करो करो, वो खूब ग्लाइकोजन बनवाएगा। इंसुलिन क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनवाएगा। और ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाता है, यानी कि जब ब्लड शुगर कम होगा, जब हम खाना नहीं खाए, हम भूखे हैं, जैसे मान लीजिए कि मॉर्निंग में हम उठे भूखे हैं, भर रात में खाना नहीं खाए, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो रहा है, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाएगा। दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करता है, दोनों मिल करके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। समझ गए? तो यही होता है, कई लोगों में इंसुलिन की कमी हो जाती है, आजकल बहुत फेमस बीमारी है डायबिटीज, सबके घर में जनरली होता है, हो सकता है आपके भी घर में हो। तो डायबिटीज वो क्या होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। तो अगर आपके पेंक्रियाज ने इंसुलिन कम सिक्रीट किया तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा आपके ब्लड के अंदर। समझ गए ना? कई लोगों के अंदर ब्लड शुगर लेवल कम भी जाता है, उसे कहा जाता है लगातार चीनी खाते रहो, चॉकलेट खाते रहो। कई बार आप देखते होंगे कई लोगों के अंदर ग्लूकोज लेवल रिड्यूस भी हो जाता है। तो ब्लड शुगर ज्यादा होना कम होना दोनों खराब है, ज्यादा होने से ज्यादा खराब है कम हो जाना, कम हो जाएगा आदमी बेहोश हो जाता है। आपको पता है कि न्यूरॉन को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई, वो दूसरा कुछ लेगा भी नहीं, उसको लगातार ग्लूकोज चाहिए। और अगर जो ही आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की डिफिशियंसी होगी तो सबसे पहले आप क्या होंगे, आप बेहोश होंगे, और बेहोश होगे तो मर भी सकते हैं अगर कोई देखा नहीं तो। ब्लड शुगर लेवल कम होना ज्यादा खतरनाक है, और ये दोनों ब्लड शुगर को कौन कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर का बढ़ना घटना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। आई होप आपको समझ में आया हो डिटेल्स बात। ओके, आगे बढ़े हम। तो इंसुलिन की कमी की वजह से हमारे, हमें एक डायबिटीज होता है। डायबिटीज का क्या इलाज है,
या तो आप कंट्रोल फूड खाइए, एक बार में कहा जाता है डॉक्टर ज्यादा मत छूस लीजिए, थोड़ा कम खाइए, मेंटेन में खाइए, और या नहीं तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ये एक्स्ट्रा इंसुलिन लिया जाता है, इंजेक्शन आता है इंसुलिन का, लगा लो जो खाना है खाओ। चलो ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट है हमारे दो हार्मोन, अब बचे दो हार्मोन कहते हैं, दो ग्लैंड्स बचे, ओवरीज और टेस्टिस, जो कि फाइनल है। ओवरीज सिर्फ प्रेजेंट होता है कहाँ पर, फीमेल्स में, एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमिनल रीजन सच में देखा जाए तो पेल्विक रीजन में, नीचे वाले रीजन में मौजूद है, एब्डोमिन के लोअर पार्ट्स में ओवरीज मौजूद होता है। ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करता है, उसे रेगुलेट करता है। मेंस्ट्रुएशन एक सेक्सुअल साइकिल होता है फीमेल बॉडी के अंदर, हर एक 28 दिन पे चलने वाला एक साइकिल होता है, प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे इन सब चीजों को, चिंता मत कीजिए। तो मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रेगनेंसी, अगर मान लो कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, उसके अंदर बेबी बर्थ होगा आप, तो उसके बॉडी के अंदर जो भी चेंजेज होंगी, जो भी प्रेगनेंसी के दौरान जो भी आप चेंजेज उसके बॉडी के अंदर देखते हैं, वो सब किसके द्वारा कंट्रोल होता है, प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा। समझ गए, यहाँ ये मत समझ लेना कि प्रेगनेंसी को रोकेगा प्रोजेस्टेरॉन या उसे बढ़ावा देगा, वो सब कुछ नहीं। प्रेगनेंसी होने के बाद जो भी बॉडी में इफेक्ट्स आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। तो मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन की अगर बात करें तो ये जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्यूबर्टी के बाद फीमेल बॉडी के अंदर होने वाली सारी चेंजेस, जब प्यूबर्टी गेन करती है लड़कियां तो उनके बॉडी के अंदर सर्टेन चेंजेज होती है, बहुत सी चेंजेज होती है, उन सारी चेंजेज को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और उन सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन ये पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में इसके बारे में डिटेल्स, अभी बस इतना जान। अब नेक्स्ट है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ मौजूद होता है, तो टेस्टिस हमारे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में होता है, जो हमारा एब्डोमेन है, जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, उसके नीचे एक मस्कुलर सैक है जिसे हम स्क्रॉटम कहते हैं, उसके अंदर टेस्टिस होता है। क्योंकि टेस्टिस को फंक्शन करने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए गॉड ने क्या किया, उसे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में दिया, यानी कि एब्डोमिन के नीचे एक मस्कुलर सैक में दिया जिसे स्क्रॉटम कहते हैं। पढ़ेंगे हम इसको डिटेल्स में रिप्रोडक्शन में, समझ गए। तो उसमें मौजूद है कौन, हमारा टेस्टिस। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में मौजूद है। और ये सिक्रीट क्या करता है, ये सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरॉन, जो करता क्या है, जो जितने भी मेल सेक्स ऑर्गेन्स हैं, जितने भी मेल सेक्स ऑर्गेन्स हैं, मेल बॉडी के जितने भी सेक्स ऑर्गेन्स हैं, उन सभी के ग्रोथ और फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। जैसे टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, या जितने भी और भी ग्लैंड्स, जितने भी और ऑर्गेन्स हैं मेल सेक्स ऑर्गेन्स हैं, उन्हें उनके ग्रोथ और फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल और रेगुलेट करता है, टेस्टोस्टेरॉन। आई होप आपको सारे समझ में आए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। फीडबैक एंड मैकेनिज्म नोट कर लीजिएगा खुद से जो मैंने बताया था, तो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो ये चैप्टर अब हमारा खत्म हो गया, इसका एक्सरसाइज सीट अवेलेबल हो जाएगा आपको, उसको बना लेना है। तो हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया लगातार इस लेक्चर में, हमने सबसे पहले लाइव प्रोसेस खत्म किया, फिर हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और आज हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी खत्म कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से पूरे लेक्चर को देखेंगे और एक्सरसाइज बनाएंगे। लॉकडाउन का कोई ठीक नहीं है कि कब खुलेगा नहीं खुलेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट जब तक नहीं खुल रही है, आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। और अगर नहीं मानोगे तो अंतिम में मुझे कठोर कदम उठाना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप घर पे हैं तो मेरे पास उपाय नहीं है, मेरे पास मेथड्स हैं, मैं गार्जियन को कंप्लेन करूंगा। इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं उसको सीरियसली लीजिए, ओके। एक्सरसाइज बनाइए, सारी चीजें, 3 चैप्टर्स क्लियर हो गया और सारे मेजर टॉपिक खत्म हो रहे हैं आपको। केमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा, तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा, और हो सकता है इसके बाद मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूं, ओके ठीक है। तो क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। ओके, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।